हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1757 से लेकर के 1758, इन 100 सालों में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने 1757 से लेकर के 1800 तक की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है, और ये है हमारा पार्ट टू। ठीक, तो अभी ये सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये अभी 1857 से 1947 तक जाएगा, फिर उसके आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक, तो उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1800 में क्या हुआ था? तो देखिए, सन 1800 में यह हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। 1798 से लेकर के 1805 तक इनका कार्यकाल था, लॉर्ड वेलेजली का। याद रखिएगा, अब किसका पद आ गया है? गवर्नर जनरल। आपको बताया था मैंने कि 1774 से बंगाल के गवर्नर के पद को चेंज करके क्या कर दिया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, अब 1805 तक हैं लॉर्ड वेलेजली। फिर 1805 में आते हैं। अच्छा, वेलेजली ने क्या किया था? वेलेजली ने किया या कि इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। शुरुआत करने का रीजन क्या था? रीजन यह था कि इनको फ्रांसीसियों से भय था। वेलेजली को फ्रांसीसियों से भय था, और इसकी वजह से अंग्रेजी श्रेष्ठता लाने के लिए इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत कर दिया। सहायक संधि था क्या? इसमें यह था कि यह जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि करते उसमें क्या थे, वैदेशिक मामले। ठीक, जो भी फॉरेन के मामले थे वो किसके अंडर में थे, अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, जबकि आंतरिक मामले जो होते थे उसमें अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। तो यही थी वेलेजली की सहायक संधि। अब वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसमें 1798 में स्वीकार किया था हैदराबाद ने, 1799 में स्वीकार किया था मैसूर ने। ठीक, तो इसमें बस इतना ही याद रखेगा कि सबसे पहला वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद। ठीक, उसके बाद 1800 में मैंने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके लिए, आईसीएस। ठीक, आईसीएस के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, और वेलेजली को क्या कहा जाता था, बंगाल का शेर। वेलेजली के समय में हुआ था चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। 98 में वेलेजली का कार्यकाल आया, और 99 हुआ था चतुर्थ फोर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं हम लोग 1805 की। 1805 में देखिए, सर जॉन बार्लो थे। कौन थे? 1805 से 7 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर जॉन बार्लो। अब इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1806 में, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर कहाँ पड़ता है? वेल्लोर पड़ता है यह मद्रास में। ठीक, और यह विद्रोह हुआ था 10 जुलाई 1806 में। किसके विरुद्ध हुआ था यह विद्रोह? तो अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब सिपाही थे उनको एक चिन्ह दिया जाता था माथे पर। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से यह हुआ था। अब इस समय मद्रास में, ठीक, मद्रास में हुआ है वेल्लोर का सिपाही युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1809, 1806 के बाद हमें जो ईयर याद रखना है वो क्या है, 1809। अब 1809 याद रखने से पहले आप याद रखिए कि लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे उस समय। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे 1807 से लेकर के 13 तक। 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुई थी किसके मध्य, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, जिसपे सिग्नेचर किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। क्वेश्चन आता है कि अमृतसर की संधि पर किसके हस्ताक्षर थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ के हस्ताक्षर थे। फिर 1809 के बाद हम लोग आ जाते हैं सन 1813 में। 1813 में आया था चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। मैंने पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था में आपको जितने भी चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया है। ठीक, चार्टर एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। इसमें क्या था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। क्वेश्चन कैसे आता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह काम हुआ था। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1813 में और क्या हुआ था। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनका कार्यकाल 10 साल तक के लिए था, 1823 तक। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यह भी पढ़ लेते हैं।
देखिए 1814 से 16 तक हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध हमसे नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी। तो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, ठीक। किस युद्ध को समाप्त करने के लिए? तो आंग्ल नेपाल युद्ध। इसमें हुआ क्या, जब सुगौली की संधि हुई तो गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सभी जो चीजें थी, जितने भी जगह थे, ये सब अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में चले गए, ठीक। इसके अलावा क्या था, 1817 में चौथा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, फोर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें क्या किया गया था, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो आता है क्वेश्चन कि मराठा संघ का अंत कब हुआ था, तो 1818। आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पे पेशवा के पद को समाप्त करके उन्हें पेंशन पर रखा गया। यह चीजें भी मैंने आपको पढ़ाया है मराठा साम्राज्य में, ठीक। फिर है हमारा 1820। 1820 में क्या हुआ था, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी, जो कि बंबई, मद्रास और असम। क्वेश्चन आता है कि रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ कहाँ फैली हुई थी, तो बंबई, मद्रास और असम। इसमें क्या था, भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया था रैयतवाड़ी प्रथा में, ठीक है। फिर बात करते हैं 1821 में कौन सा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, तो 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब बात आती है, क्या यह जो पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, यह पहला था? नहीं, पहला संस्कृत कॉलेज खुला था 1791 में, जोनाथन डंकन ने के द्वारा प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था, ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा। फिर है हमारा सन 1822। 1822 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है हमारा टेनेंसी एक्ट। अब बात आती है कि 1822 में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 13 से 23 कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद यह किससे संबंधित था, टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित था, तो पहले जान लीजिए कि यह बंगाल में लागू हुआ था, यह भूमि से संबंधित था। टेनेंसी एक्ट आया कब है, 1822 में, याद कर लीजिए टेनेंसी, ठीक। दो ना है ना, तो 2 बार 2, ठीक। उसके बाद है हमारा 1823। 1823 की इम्पोर्टेंट घटना क्या है, देखिए इसमें 7 महीने के लिए एक स्थानापन्न गवर्नर आए थे, लॉर्ड एडम्स। पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे, पूछ ले इनमें से कौन कार्यवाहक, स्थानापन्न क्या है, कार्यवाहक, ठीक। तो स्थानापन्न गवर्नर कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड एडम्स। इनके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लॉर्ड एडम्स के समय में, ठीक। फिर आता है हमारा 1824 का टाइम। 1824 में हुआ था बैरकपुर में छावनी, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। इसको आप लोग मत कनेक्ट करिएगा 1857 की क्रांति से, ठीक, क्योंकि यह एक अलग चीज है। वहां पे जो बैरकपुर में हुआ था विद्रोह, वह 1857 की क्रांति से, यह दूसरा सैनिक विद्रोह है, ठीक। इसका रीजन क्या था, देखिए अंग्रेज में जो भारतीय सैनिक थे, भारतीयों की एक प्रथा है कि ये लोग मानते हैं कि समुद्र को पार करने से उनका धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक, वो लोग विधर्मी हो जाते हैं। तो इस वजह से भारतीय सैनिक जो थे वह समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सैनिकों को रंगून भेजे जाने की बात कही, जिस वजह से बैरकपुर के जो सैनिक थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो यही है हमारा बैरकपुर में सैनिक विद्रोह है, ठीक। अब यही देखिए, आप देखेंगे आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है, इसीलिए भेजा जा रहा था। आंग्ल वर्मा युद्ध हो रहा था 1824 से 26 के बीच चल रहा था, और इसी समय इनको भेजा जा रहा था रंगून लड़ाई के लिए, ठीक है, इसी युद्ध में। तो यह युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि से, तो यांडबू की संधि से। किससे हुआ, क्वेश्चन आता है कि यांडबू की संधि कब हुई थी, तो 1826, याद कर लीजिएगा। किसके लिए, तो आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 1828। अगला जो ईयर हमारा कौन सा है, 1828। 1828 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले चला था गवर्नर, सबसे पहले कौन बना, बंगाल का गवर्नर का पद आया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको उठा करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। या किया तो गया था 1833 में, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के, तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, ठीक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है उसे कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। ऐसा किया कैसे गया था, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था,
13 वाले चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी का भारतीय भारतीय भारत में जो एकाधिकार था बिजनेस का उसको समाप्त कर दिया गया। फिर 33 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1803 में। यहाँ हमने पढ़ लिया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल, तो यह काफी बड़ा पद है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1803 में बेंटिक क्या थे, मद्रास के गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे, और इन्हीं के समय में 1806 में हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। ठीक, सैनिकों के माथे पर जो जातीय चिन्ह और कानों में बालियां जो थी उन पर रोक लगाने के लिए हुआ था वेल्लोर का प्रथम धार्मिक, वेल्लोर के विद्रोह प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक से, या फिर हम लोग कह लें, हम लोग तो पढ़ रहे हैं 100 साल का इतिहास, तो इसमें 1829 का टाइम पीरियड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हुआ क्या कि बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके आर्टिकल 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा क्या थी, किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो पति का जब दाह संस्कार होता है तो उसके साथ जो उनकी वाइफ रहती है वह भी स्वयं को जला लेती, तो यही सती प्रथा थी, इसी का अंत किया विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने 1829 में आर्टिकल 17 के द्वारा। ठीक, अगला हमारा 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन के साथ मिलकर के, किससे, स्लीमन, इनके साथ मिलकर के ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके साथ मिलकर के, तो कर्नल स्लीमन, बाल हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया और मानव बलि को समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग 1833 में और क्या किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि जितनी भी सरकारी सेवाएं थी उसमें भेदभाव होते थे। सरकारी सेवाएं मतलब जो भी बड़ी परीक्षाएं होती थी उसमें क्या होता था, भेदभाव होता था, अंग्रेजों को ही उच्च पद पर रखा जाता था, भारतीयों को निम्न पद पर। तो उन्होंने क्या किया, चेंजेस लाए कि योग्यता, अब जो सरकारी सेवा है इसमें योग्यता के आधार पर अपॉइंटमेंट मिलेगी, ना कि धर्म रंग जन्म या जाति के आधार पर। ठीक, ऐसा कहा गया कि भारतीयों को धर्म रंग जाति के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो पर्टिकुलर जो भी पद के लिए एलिजिबल है वह उन्हें दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 1835 में क्या हुआ था, तो देखिए 7 मार्च 1835 में अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अब यह क्वेश्चन और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, किसकी अनुशंसा पर, तो देखिए आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग भारत में शिक्षा का विकास, मैं यह वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं आधुनिक इतिहास के, कि भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, वहां आपको ये चीज बेटर समझ में आ जाएगी। ठीक, तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके साथ साथ 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। ठीक, और रुड़की में एक पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने की बात की गई थी 1835 में। ठीक है, अब और क्या किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इन्होंने अव्यवस्था का, भारतीय रियासतों के प्रति क्या नीति थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने अव्यवस्था का आरोप लगा करके बहुत ही इजीली 1831 में मैसूर को, 32 में जैतिया और काचर को, 34 में कुर्ग को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक था, 1835 से 36। ठीक है, कब से कब तक है, 35 से 36 है चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल। इन्होंने क्या किया, प्रेस एक्ट पारित किया, प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, किसे कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड ऑकलैंड, 1886 से 42 का कार्यकाल है इनका। ठीक है, 1838 में हुआ था क्या, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के, और याद रखेगा कि अब ये लोग क्या हो गए हैं, भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं। तो 1836 से लेकर 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल था, ऑकलैंड फर्स्ट का। ठीक, इनके समय में और भी घटनाएं हुई थी। अच्छा, ये जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज हार गए थे, इस वजह से एक इन्नस इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि यह सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध था। ठीक,
और क्या किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, इन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत किया था, और जो भी प्रारंभिक स्कूल होते हैं उसमें शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा को बनाया था। प्रादेशिक भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज जो थी वहाँ की, जहाँ भी स्कूल बन रहे थे, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा को बनाया था। ठीक, इसके साथ साथ जो शेर शाह सूरी मार्ग था उसका नाम बदल करके जीटी रोड रखा गया था। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। नेक्स्ट बात करते हैं 1842 से 1844। अब देखिए 42 से 44 तक किसका कार्यकाल था, लॉर्ड एलनबरो। और यह किस लिए फेमस है, इन्होंने अकर्मण्यता की नीति का काल, इनका जो काल था लॉर्ड एलनबरो का, इसे कहा जाता है अकर्मण्यता की नीति का काल। इन्हें सिंध का विलय किया था 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में। किसका विलय किया है, सिंध का विलय किया 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके अलावा 1843 में दास प्रथा का अंत किया। ठीक, और इन्हीं के समय में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था 42 में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। क्या हमारा लॉर्ड हार्डिंग, अब ये देखिए लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल शुरू होता है 1844 से, और कब तक चलता है, 4 साल। ठीक, इसके बीच बीच में क्या हुआ था, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर के 46 में। ठीक, प्रथम, और यह समाप्त कब हुआ था, लाहौर की संधि से 1848 में। 1848 में हुआ था लाहौर की संधि, और इसी से समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेंड एक जनजाति थी जिसमें नर बलि का प्रचलन था, तो इसको खत्म करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल की नियुक्ति की थी। ठीक, इसके अलावा सूरत में चल रहा था नमक विद्रोह, इस वजह से लॉर्ड हार्डिंग ने नमक कर को आधा कर दिया था। ठीक, तो ये थे हमारे कब से कब तक है, 1800 से लेकर के 1844। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, लंबा इसलिए बनाया जा रहा है कि इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना है, जो कि अकेले सिर्फ अगर हम लोग लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो बहुत सी चीजें हुई हैं इसमें, शिक्षा संबंधी सुधार हुए हैं, वो डिस्पैच लागू हुआ है, रेलवे संबंधी सुधार हुए हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। ठीक, अगर आप 100 साल का इतिहास पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 घंटे तो लगेंगे, तो इस वजह से उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे 1848 से लेकर के 1857। 1857 की क्रांति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए 1848 से 1857 के बीच बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जिन लोगों ने आप पहला वीडियो देखा, पहला वीडियो नहीं देखा है, वो भी प्लेलिस्ट में जा करके, मॉडर्न हिस्ट्री की रिविजन सीरीज प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं, ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।